संगीता शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से उत्तराखंड इस वक्त आग के तांडव को झेल रहा है, आम जनता भी परेशान है, इस पूरे प्रक्रम को किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखती हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी फायर सीजन आता है, गर्मियां आती हैं तो आग लगती है, लेकिन सरकारों की पहले से कोई तैयारी नहीं होती। और हर बार इनके यही बयान होते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमने क्या कहते हैं इंतजाम सारे कर लिए हैं, और तब तक हम बहुत बड़ा नुकसान एक झेल चुके होते हैं। उत्तराखंड जो जल जंगल जमीन के लिए जाना जाता है, वहाँ हर वर्ष हम लाखों रुपए का नुकसान झेलते हैं और जंगल नष्ट होते हैं, उसमें हमारे पशु पक्षी और वन्य जीव बहुत सारे नष्ट होते हैं। तो सरकार केवल बयानबाजी करती है और काम धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। पिछले एक महीने से आग लगी हुई है, आग जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचने के लिए आमादा हो चुकी है। मैं चंपावत की बात करूं जिले की, तो वहाँ एक प्राथमिक स्कूल तक आग पहुंच चुकी है और बमुश्किल उस आग को बुझाया गया, नहीं तो वो स्कूल ही जल जाता। जो झाड़ियों में फंसे हुए पत्थर हैं, क्योंकि रोड का नया निर्माण हुआ है, वो पत्थर नीचे गिर रहे हैं, बुलडोजर नीचे गिर रहे हैं, वहाँ सड़क से लोगों को गुजरने में परेशानी हो रही है। और ये लोग कह देते हैं कि हमने इंतजाम कर लिए। अरे भाई, फायर सीजन आपको पता है कि हर वर्ष आएगा, जैसे ही गर्मी आएंगी, तो आप पहले से पुख्ता तैयारी क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों उस दिन का इंतजार करते हैं कि आग लगेगी, उसके बाद आप सोचेंगे तब तक कितना कुछ सुहाना हो चुका होगा? मेरा तो ये मानना है कि अगर वन्य जीव और पशु पक्षी भी शायद वोटर होते, मतदाता होते, तो इनके घोषणा पत्र में जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ होता। लेकिन हमारे वन्य जीव जो है और पशु पक्षी और हमारे जंगल जो है, वो मतदाता नहीं है, उसमें ये उनके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। और जो नुकसान हो रहा है, विपिन जी, इन आरोपों का आरोपों पर क्या जवाब देंगे? क्योंकि संगीता जी ही नहीं, बल्कि देखिए विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर लगातार जो जनता है वो भी सवाल उठा रही है। जनता भी यही कह रही है कि सरकार को हम लेकर के आए हैं, ये सोच करके बीजेपी सरकार को लेकर के आए हैं कि हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। क्योंकि देखिए, वातावरण को नुकसान हो रहा है, तो आम जनता भी परेशान है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, धुआं ही धुआं जो है फैला हुआ इलाकों में।